ओम वसुदेव सुतम देव कंस चाणुरमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, पवित्र साधु बाणी पवित्र कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत आज्ञा। आज पवित्र साधु बाणी मध्यम आमे जो पदटी नहीं गोटे सुंदर पद कौन लोभर फल जे पापटी अटई पापरु मनुष्य विनाश हुई एक सत आज्ञा। मनीषर जिते बड़े लोभटा बढ़ी जाए ना से सी पाप करने को बाध्य हुए आते बड़े पाप करे से तो पापी हो जाए ना पापी हो गला तार विनाशटा निश्चित निकटवर्ती जाए स्वाभाविक कथा है। गीतार गोटे श्लोक नहीं भगवान व्यास कही ना ध्यायत विषयान पुंसा संगस्तस्य पजायते हेम संगात संजायते कामा कामा क्रोध भिजायते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो प्रणश्यति। अर्थ मनीष जेतेबेले संगदोष खोजे विषया विष पाखरु संगदोष जन्म हुए एवं संगदोषरु कामनार जन्म हेथाय हाँ एवं कामरु क्रोधर जन्म हेथाय एवं क्रोधरु मोह लोभ पाप मृत्यु बस गीतार ये बाणी। तेणु जेतिके दरकार बाबा माने सेतिके ही ग्रहण करंतु अधिक आवश्यक नहीं। भगवान व्यास गीतारे सुंदर भाव रे कहिसेंती कौन ध्यायत विषयान पुंसा संगस्तस्य पजायते हेम संगात संजायते कामा कामा क्रोध भिजायते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो प्रणश्यति। सुंदर श्लोक। तेणु ज्ञानी भक्त वृंद सबुठ खराब गुण हूँ मनीषर लोभ सेटा हला भीतरर शत्रु लोभटा आउ जी लोभ को दमन करी पारिची संसार रे सबु किछि सी दमन करी पारिची। लोभ गोटे एमिति जिनिस मनीषर भितरु भितरु सी खाई जाए हाँ आउ गोटे लोभी लोक चारियाडे निंदित हबो चारियाडे लोक माने ता विरुद्ध रे कहुत बेटा लोभीटा ता मुह को चाहंती चारियाडे लोक कहुत किंतु सी बुझि पारेनी जदि बुझि पारिले मध्य ता पाखरे किछि काम नाही कारण लोभता को एमितिक भावरे ग्रास करी जाई थाय से संसार रो कहारी कथा को सुनेनी कारण भाबे एमाने मते सही पारु नाहंती एमाने हिंसा करी के मते एमिति कहउचंदी निज आखी को जम्मा अंगुली जीवनी सत्य। गोटे सुंदर छोटिया कथा आपण मानक कौच गोटे काठुरिया प्रत्येक दिन काठ काटा ता कम काठ काटी निजर गुजराण मेटाए घरे पिलापिली अच्छा छुआ मैंने अच्छा गरीब लोक काठ नीति काटे कुराड़ीटे धरिकी जंगल को जाए जो दिन किसी मिलला मिलला न मिलले भी उपास रहीगला बहुत गरीब लोक किंतु आर लोभ ना जेतिके मिलिला सेतिके रे संतुष्ट जदि न मिलिला तथापि संतुष्ट पिला छुआ को बुझे दब स्त्री के बुझे दब बापारे आज काठ बिक्री ही पारिलानी हाउ ठीक अच्छे देखंतु ये हूँ वास्तवता
काहीकि लोभ करिबा ये काठुरिया कहे जदि केही कहते अरे भाई तू से काठरे से पंदर खंड काठ नीति आणुचु आउ पांच खंड अधिक आणुनु काठुरिया कहे कहीं पांच खंड अधिक आणबी कौन मिल मत ओहो आउ दु पैसा अधिक पाइबि नाई ताद्वारा कष्ट एवं ताद्वारा क्षति हम आ द्वारा मोर लोभ बढ़ आज पांच खंड आणबी कल सात खंड आणबी लोभ बढ़ प्रत्येक जगार ही लोभ अच्छी जेकोसी कम आपतु लोभ ही अच्छी देखु आज अफिस् कम आपरे लोभ ना अच्छी अफिश्रे कम एम दी दिन भितर सर आपण मैंने करू करू कम करू करू रात एगारटा बाजिगला ना आउ पार शपड़ी ना आउ दीटा खंड करदे कल की आउटे सहज हम ए लोभ अच्छी सब क्षेत्र में लोभ मनीषर थाए आए लोभ को दमन करपे संसार रे से टिक मनीष ये काठुरियाटी नीति जाए जंगल को काठ काटे ता लुहा कुराड़ीटी नहीं कि जाए काठ काटे प्रतिदिन काठ काटुची जेती कि मिलुची भलरे चलुची आज्ञा से दिन कुराड़ीटी धरिकी जंगल को काठुरिया गला देखला गोटे पोखरी कूल रे अनेला उपर को गोटे गच्छरे गोटे उपरे गोटे सुखिला डाळ खंडे ओहळीची कला से ही खंडटा को नहींगले आज भल बिक्री हाँ सुखिला काठ लोक खोजती ना गच्छ उपरको चढ़ीगला कुराड़ीटी धरी सुखिला काठ को हाणिला एमती हाणु हाणु सुखिला काठ को हाथ बोधे खसीडीगला झाड़ होता कि कौन बेटा हाथ रू खसीडीगला फल कुराड़ीटा जा पोखरी पा भितर पड़ा मुंडे हाथ दे कि बसला कहला करी कौन मोर आ संबल नाई आउ गोटे कुराड़ी किणवापी यही कुराड़ीटी मो जीविका निर्वाहर प्रथम मार्ग कुराड़ी नथिले मु तो काठ आनी पारिबिनि ना कौन करी गालर हाथ दे कांदुची कौन करी हे प्रभु काहीकि काम कल पुणी ए पोखरी अताल ताल पाणी कौटी जाइंकि कुराड़ी पड़ब मुझे खोजी आउ तो पाइबिनि ना चिंता करी गालर हाथ दे कांदुची काली केमिति आज केमिति काठ काटिबि काली कथा तो दूरर कथा ये कांदिला बेले से पानी रे जल देवता थिले ए जल देवता को आ दुख देखी दया लगिला जल देवता उठी पड़िले पानी रु कहले बाबू काही कांदुच कहले आज्ञा कौन करिबी महाप्रभु मो कुराड़ीटी पानी रे पड़गला मो छुआ पिलार संसार ए गोटी करे ही मो पेट पोसे पानी रे पड़गला मो कुराड़ीटा आउ कौन सतरे पानी रु पाइबी जल देवता कहले टिके अपेक्षा कर कले कौन बुड़ी गले पानी भितर बुड़ी उठिले गोटे कुराड़ी धरी कौ कुराड़ी चांदी रे तैयारी हिची गोटे कुराड़ी पूरा रूपा कुराड़ी टीए देखेले ये गरीब काठुरिया रूपा कुराड़ी देखेले एटा तमर काठुरिया अनैला नाई आज्ञा एटा तो रूपारे कुराड़ीटा एटा मोर नो आज्ञा मोर लुहा कुराड़ी एटा मोर नो कला हाउ ठीक अछि पुणी बुड़ी गले पानी भितर उठिकी धरले गोटे सुनारे कुराड़ी बेट सुना कुराड़ीटा सुना एटा तमर काठुरिया अनैला ना आज्ञा एटा मो कुराड़ी नुह एटा तो सुनारे तैयारी कुराड़ी ये मोर नुह आपण मो कुराड़ीटी दिंतु आज्ञा मो पेट मु पोषि खुशी हेले जल देवता पुणी बुड़ी गले लुहा कुराड़ीटी धरिकी उठिले कहले एटी तमर ना हाँ आज्ञा एटा मो कुराड़ी दिंतु आज्ञा मत जल देवता लुहा कुराड़ीटी देले एवं कहिले बहुत सचोट तमे एवं तमे निलोभी मनीष तमर लोभ नाही मु भारी खुशी तम उपरे शुण तम लुहा कुराड़ीटी नियो एवं ये रूपा कुराड़ी आउ ये सुना कुराड़ी ये जोड़िक जाक मध्य मु तुमको दौची नियो तम सचोटता पणिया पाखरे ये जोड़िक जाक कुराड़ी मु तुमको दान कली नियो तीनोटी जाक कुराड़ी धरला तीनोटी जाक कुराड़ी धरी काठुरिया घर को फेरिला हाँ जोबले घर को फेरिला आस्ते आस्ते सुना रूपा जो प्रबल हो गला आस्ते आस्ते धनी है धनी है से गाँव रमीदार से कहला अरे मु तो गाँव में बड़ धनी ये गोटे धनी किए मुंड टेकिले पुणी पचारे अरे बाबू केमी कौन तू टा कौ पाइलु ये सब सत कथा ही कहीदेला कहला आज्ञा टा मु कौन पाइबि जल देवता मत ये जल देवता ही ये दान ना केमिति ना काठ काटू थी काठ काटिला बेले
लुहा कुराड़ीटा पानी रे खसी पड़िला आ फल रे मते जल देवता मो लुहा कुराड़ी देले एवं सुना कुराड़ी रूपा कुराड़ी जोड़िए देले ए जमीदार कहला अच्छा ठीक अछि हो हो ता पर दिन जमीदार जाई पहुंची गले निजे लुहा कुराड़ीटी धरी जानी जानी का कुराड़ीटा को पानी के फिंगी दे कि का पाखरे बसी कांदिले जल देवता उठिले अरे कांदुचो काई ना मो कुराड़ीटा आज्ञा पड़गला कहला ओहो हो गोटे सुना कुराड़ी धरिक उठिले एटा तुम ना हाँ आज्ञा सेटा मो कुराड़ी जल देवता कहले चांडाल निजे जाणी जाणी लुहा कुराड़ी फिंगी देकि सुना कुराड़ी की मोर कौचु लुहा कुराड़ी गला सुना कुराड़ी नहीं कि जल देवता बुड़ी गले ये मन दुखरे घर को आईला सरीगला कहीं अधिक लोभ जोटी थाए से ही पाप थाए जोटी पाप थाए से ही मृत्यु थाए आप गोटे सुंदर कथाटे कह लोभर फल लोभ कर केड़े बड़ दंड भोगला विरती विरती पर स्वागत प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु जमीदार चिंता करते मु लुहा कुराड़ीटा देदेवि सुना कुराड़ीटा नहीं आसबि ताक भली मु आहुरी बड़ लोक होइजिबि किंतु हेलानी किछि हेलानी आज्ञा ठीक सेमिति गोटे छोटिया कथाटे कहि लोभर फल केमिति का हेई पारे आज्ञा गोटे सुंदर पोखरी टीए थिला ए पोखरी पानीटा काच केन्दु भली पानी बहुत बढ़िया पानी से पानी की जीए देख लोभ कर मन हम गोटे माकड़ भारी शोष है ए डाल से डाल डेईवाता कम ये गला देख ला बढ़िया पानी पानी पीवा को चलीगला गला बेले से पानी कूल देख ला माकड़ तो भारी चलाखना पानी पाखक न जाकि आगे कूल देख ला सब पाद चिन्ह गुड़ाक पड़ी कहला अच्छा अच्छा देख ला जो पाद चिन्ह गुड़ाक पड़ी सब गुड़ाक जीवा पाद चिन्ह सब जंतु मान पड़ी कि फेर पाद चिन्ह कहारी ना गतानी गत पादानी आगत पादानी न दृश्यते कहला मु तो जीवा पाद चिन्ह देखुची फेर पाद चिन्ह देखुनी ता अर्थ एठिक जीए पा पीवा को आसी आेरिनी हाँ तार कारण ये पाणी कि तत्व अच्छी तत्व कौन कला ना मुमती आ पानी कूल को जीवन कला कौन गोटे पद्म नाड़ नहीं आसला कई नाड़ से कई नाड़ी को पा भितर पुरे दूर से थी बस कि आराम पानी पीला पानी कूल को आ गलानी कारण कौन कि आज्ञा से पा भितर गोटे कुंभीर थी जीए जाती पानी पीवा को ये स्वच्छ पानी निर्मल पानी देख समस्त लोभ हुए समस्ते पीवा को जाती आ जीए जाती कुंभीर ताकू धरे मारे काय ये जतबेले कई नाड़ पुरे कि दूर से थी पा पीला नाड़टा तो बहुत लंबा ना नाड़ को पानी की बढ़े देला तार इे दूर से बसिक पा पीला कुंभीर कर कौन कहला अरे माकड़ तो बहुत चलाख पड़ा ये दिन आसुची दिन से कई नाड़े बसिक पा पीऊँ ताकू तो मुझे धरीपरि खाली से नुह ये माकड़ जाकि पशुपक्षी थे जंगल में समस्त डाक कहला ए बाबू से पोखरी को जदि पा पी जाऊ सतर्क जाओ से गोटाए कुंभीर अच्छी शुण कहीं सेठिक जाओनि सी जी जीव सी ताक मारिक खाइब कहीं जाने पक्षी पशु मैंने भी सतर्क हो गले कहीं आउ गले सेठी तेणु आस्ते आस्ते कुंभीर भोक प्रबल है खावाक पाइलानी कई तो आईले चिंता कला कुंभीर ये सब नाट लगे किए य जदि ये माकड़ को मु बस करकड़ को जदि मो अख्तिर को नहीं आसी पारती ताले सब जीवजंतु गुड़ाक आसते समस्ते पा पीते मत आहार मिलता या चिंता करकड़ सहित मैत्र हम बोली कुंभीर मने मने योजना करी से दिन माकड़ पा पीला बेले कुंभीर पा मुंडटी टेकिला डाकिला भाई माकड़ अनैला कहला हाँ कह कहला भाई कहीं मो दाना मारूचु कहला कौन दाना मारे तोर कहला अरे मुझ खाइबा को बाउनी आज की दस दिन है मुझे खाईनि मो दाना तू मारुनु अरे हे पिठिक मार पछे पेटुक मारनी शास्त्र लेखा अच्छी तू कहीं कम करुचु मु खाई बचिले तोर क्षति कौन होकड़ कहला ना भाई तू बच मु बचीबी मुझे तो कहीं तो ना कहीं कौन कहबी कहला गोटे कम कर ना कौन ना आज तोर मोर मैत्र हवा कुंभीर कहला कारण आपको जदि अख्तिर को नहीं आसब तब ठीक है ना कह आज तोर मोर मैत्र हवा
ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୈତ୍ର ହବା ହବା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଠୁ ହେଲା ମୈତ୍ର କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ନୂଆ ମୈତ୍ର ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଉପହାର ଦିଆଯାଏ ନା। କହିଲା ମୋର ଉପହାର କ'ଣ? କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦଉଛି। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହୀରାର ହାର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ନାଇଁ, ମୁକ୍ତା ପିମାଳ ନଚବାନ ରାଣଂ ମିଷ୍ଠାନ ପାନ ନଚ ସୁକରାଣଂ ଅନ୍ଧସ୍ୟ ଦୀପ ବଧିରସ୍ୟ ଗୀତ ମୂର୍ଖସ୍ୟ କିଂ ଧର୍ମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଳୋକ। କ'ଣ? ମୁକ୍ତା ପିମାଳା ନଚବାନ ରାଣଂ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଳାରେ ମୁକ୍ତାର ମାଳଟେ ପକେଇବେ, ତା ମୂଲ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ? ମୁକ୍ତା ପିମାଳା ନଚବାନ ରାଣାଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପାନ ନଚ ସୁକରାଣାଙ୍ଗ, ସୁକର ମାନେ ଘୁଷୁରୀ। ଆପଣ ଘୁଷୁରୀକି ପାଚିଲା କଦଳୀ ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ ନେଇକି ଦେବେ, ସିଏ ସେ ତା ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଅନ୍ଧସ୍ୟ ଦୀପ ବଧିରସ୍ୟ ଗୀତ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାରେ ଦୀପଟେ ଆପଣ ଜଳେଇବେ, ତା ମୂଲ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଦୀପ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଜଳୁଛୁ ବୋଲି। ବଧିରସ୍ୟ ଗୀତ, ଗୋଟେ କାଲା ଲୋକ ବସିଥିବ, ତା କାନକୁ ଆଦୌ ଶୁଭୁନଥିବ, ଆପଣ ସେଠି ମହ୍ଲାର ରାଗ, ଆପଣ ସେଠି ଯେତିକି ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ସବୁ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଇବେ, ସେ କାଲା କ'ଣ ବୁଝିବ? ଠିକ୍ ସେମିତି ମୂର୍ଖସ୍ୟ କିଂ ଧର୍ମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପାଖରେ ଆପଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ? କିନ୍ତୁ ଏ କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟିଏ ହୀରାର ହାର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଉପହାର ଦେଲା। କୌଣସି ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ପାଣି ପିଉଥିବ, ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଥିବ, ତାକୁ ଖାଇଦେଇଥିବ, ତା ହୀରାହାରଟା ତା ପାଖକୁ ରଖିଥିବ, କୁମ୍ଭୀର ଉପହାର ଦେଲା। କହିଲା ଭାଇ ଏ ହୀରାହାରଟି ରଖ ପଛେ, ମୋ ନାଁରେ କେଉଁଠି କିଛି କହନି, ମୁଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଏ, ମୋ ଭାଇ ସେମିତି କରନି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି, ତୁ ଥା, ତୁ ଭଲରେ ଥା, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ହୀରାହାର ନେଇକି ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଗଛ ଉପରେ ବସି ତାର ଫଳ ଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆସିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଭର ଫଳଟା କେମିତି ଆସିଥିଲା। ବୁଲି ବୁଲି କୁଆଡ଼େ ଶିକାର ପାଇଲାନି, କହିଲା ଘରକୁ ଯା ଫେରିଯିବି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖେ ଅନେଇଲା ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛି। କହିଲା ଆରେ ହେ, ଏଇଟାକୁ ଆଜି ନେଇଯିବା, କାରଣ ହନୁ ଚମଡ଼ା ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚମଡ଼ାଟା ବହୁତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ହଁ, ଆଉ ତାକୁ ମାରିକି ତା ମାଂସ କିଛି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିକିଦେବି କିଛି ବି ପଇସା ହେବ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଧନୁସର ଧରିକି ସନ୍ଧାନ କଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ, ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଅନେଇଲା, ଭାରି ଚାଲାଖନା ମାଙ୍କଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଶାଖା ମୃଗ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମୃଗ ସିନା ବଣରେ ରହେ, ଇଏ ଶାଖା ମୃଗ, ଇଏ ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ରହେ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଡିଏ, ଗଛମାନଙ୍କରେ ରହିବା, ଡାଳରେ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବା, ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ର ଧର୍ମ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସର ସନ୍ଧାନ କରେ ଶିକାରୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ର ର ର ଭାଇ ର ର। ଶିକାରୀ ଅନେଇଲା, କହିଲା କ'ଣ? କହିଲା ମୋତେ କାଇଁ ମାରୁଛୁ? କହିଲା ଆରେ ତତେ ମାରିଲେ ତୋ ଚମଡ଼ାଟା ବିକ୍ରି ହେବ, ଦି ପଇସା ପାଇବି, ତୋ ମାଂସକୁ ବିକ୍ରି କରିବି, ଦି ପଇସା ପାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଆଜି ଦିନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିଲି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶିକାର କାହାକୁ ପାଇଲିନି, ତତେ ମାରିଦେଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଦି ପଇସା ପାଇବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ, ମୋର ଗୋଟେ ସଂସାର ଅଛି ନା, ମୋ ଜୀବିକା ପରା, ମୋ ବେଉସା ପରା ଏଇଆ, ଆଉ ତୁ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, କହିଲା ହେଇଟି ଭାଇ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ନା କ'ଣ? ନା ତୁ ମୋତେ ମାରେନି। କହିଲା ଆରେ ତତେ ନ ମାରିଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ କେମିତି, ମୋ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି, ମୁଁ ତତେ ମାରିବି ନା। କହିଲା ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ମାରେନି କାହିଁକି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣିଥା। ନା କ'ଣ? ତୋର ଧନ ଦରକାର ତ? ନା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ନେ ଧ। ଯେଉଁ ହୀରାର ହାରଟି ପାଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ପାଖରୁ, କହିଲା ଭାଇ ଏଇଟା ଯଦି ବିକିବୁ ତୋ ଜୀବନ ସାରା ତୁ ଚଳିବୁ, ଜୀବନ ସାରା ଖାଇବୁ, ନେ ହୀରା ହାରଟିକୁ ଦେଇଦେଲା। ଇଏ ସେ ହୀରା ହାରଟିକୁ ଥିଲା, ଆରେ ବା ଏଇଟା ଏତେ ଦାମିକା ହାର, ହୀରାହାର ଶିକାରୀ ପାଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଭାଇ ଏଥର ଯା। ଶିକାରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ହୀରାହାର ଦେଲା, ତା ପାଖରେ ଆହୁରି ବୋଧେ ହୀରାହାର ଅଛି, ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଲା ନା, ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ବୋଧେ ଲୋଭ, ମଣିଷର ଲୋଭ କହୁଛି ନାଇଁ ଅଧିକ ଥବ,
ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ 5,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦାନ କଲା, 10,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲା ବା ଦେଇଦେଲା, ଆପଣ କହିବେ ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥାନ୍ତୁ ନା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର କିଏ 10 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇନଥାନ୍ତା ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଲୋଭ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣଦାନ ଠୁଁ ଆଉ ଦାନ ନାହିଁ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ଏ ଶିକାରୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଆଉ ଥରେ ଧନୁସର ଝୁକିଲା, କଲା କାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୀରା ହାର ମିଳିବ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲେ, ଆରେ ହେ ଆର ତ ଲୋଭ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ହୀରା ହାର ପାଉ ପା ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଆଶା କଲାଣି। କହିଲା, ଶୁଣ ଭାଇ, ଶୁଣ ଭାଇ, ମୋତେ କାଇଁ ମାରିବୁ? କହିଲା, ତୁ ଆଉ ହୀରା ହାର ଦେ। କହିଲା, ମୁଁ କା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୀରା ହାର ଯେଉଁଠି ମିଳିବ ମୁଁ ସେ ବାଟ କହିଦେଉଛି। କହିଲା, କ'ଣ? କହିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ତାକୁ ନେଇକି ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା। କହିଲା, ଏ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଯା, ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ମୋତେ ଏ ହୀରା ହାର ଦେଇଥିଲା, ଭିତରକୁ ପଶିଯା, ତୁ ଆପେ ଆପେ ଆହୁରି 5-10 ହୀରା ହାର ପାଇବୁ, ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ଇଏ ଲୋଭରେ ସିଧା ପଶିଗଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ। କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା, ଗୋଡ଼କୁ ଧଇଲା, ନେଇକି ଚାଲିଲା। କାହା ପାଇଁ ମଲା? ଲୋଭ ପାଇଁ ମଲା। ଯେତେ ଲୋଭଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଲୋଭ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ନା କ'ଣ ନେଇଯିବେ, କାହା ପାଇଁ ଲୋଭ? ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋଭ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଧାନ, ମୁଗ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ, କଳା ରାଶି, ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ କନାରେ ବାନ୍ଧି ସବୁ ରୁମ୍ରେ, ଯେତୋଟି ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କନାରେ ବାନ୍ଧି କନା ଗୋଟି ଗୋଟିକୁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ରୁମ୍ରେ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧନ କମିବ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧାନ, ମୁଗ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ, କଳା ରାଶି, ଏତିକି ଏକାଠି କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ାରେ ସବୁ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିବେ, ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଥୋଇଦେଇକି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।